हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शानवी एंड मॉमी। सो आज का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही स्पेशल वीडियो है मेरे लिए, काफ़ी इमोशनल वीडियो होने वाला है बिकॉज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी साड़ियों का कलेक्शन। और मैं आप लोग को बताऊँ, मैं साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, तो मैं साड़ियाँ अगर खरीदती हूँ तो सिर्फ मेरी मम्मी के लिए खरीदती हूँ या फिर मेरी सासू माँ के लिए खरीदती हूँ। मेरे पास सिर्फ साड़ी खरीदने के दो ही पर्पस हैं, या तो खुद की मम्मी के लिए या फिर मेरे हस्बैंड की मम्मी के लिए। तो मैं साड़ियाँ जब भी लेती हूँ तो उनके लिए ही लेती हूँ। और मैं साड़ियाँ बहुत खरीदती हूँ, मतलब साल में मैं कम से कम, तो मतलब मैं जब भी खरीदती हूँ एक साथ 3-4 साड़ियाँ खरीदती हूँ कम से कम। और मैं बहुत ज़्यादा साड़ियाँ खरीदती हूँ लेकिन मेरे लिए नहीं खरीदती हूँ मैं, मेरी मम्मी के लिए फिर मेरी सासू माँ के लिए खरीदती हूँ मैं। तो मेरे पास जो साड़ियाँ हैं मेरे खुद की, वो सिर्फ मेरी साड़ी वही साड़ियाँ हैं जो मेरी शादी में मैंने यूज़ की थी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, और वो साड़ियाँ मैंने मेरी मम्मी को भी नहीं दी ना मेरी सासू माँ को दी, मैंने मेरे पास ही रखी है क्योंकि कभी अगर किसी फंक्शन में पहनने का मौका आया तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इनको मेरे पास ही रखा है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी शादी की साड़ियाँ। बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा, और मेरे बहुत दिल के करीब है स्पेशली। तो सबसे पहले शादी की अगर बात करें तो आती है सगाई। तो पहले आप लोगों के साथ मेरी सगाई की साड़ी बताने वाली हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था ना, उस टाइम पे ना अमेजोन पे एक साड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थी, वो ये थी नेट की साड़ी, आपको दिख रही होगी, आप डेफिनेटली आप लोगों ने इसको देखा होगा क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा वायरल थी उस टाइम पे। तो मैंने ये साड़ी परचेज की थी कि मैं सगाई में पहनूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सगाई में साड़ी जो है लड़कों वाले के साइड से आती है। तो फिर मैंने ये साड़ी खरीद ली थी और ये नेट की थी प्योर, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं इसको पहनूंगी तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बट हाँ। सो मैंने ये साड़ी खरीदी थी, मुझे लगा था सगाई में जो है खुद की साइड से पहनना होता है। तो मैंने ये साड़ी ऑनलाइन परचेस की थी अमेजोन से 799 रुपये की उस समय पे, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थी, मतलब सबके पास ये साड़ी थी सही, अलग कलर की, अलग कलर की, बट मुझे ये रेड कलर, मुझे लगा कि खुद की साड़ी पहनना है तो मैंने सोचा कि रेड कलर पहनूंगी तो अच्छा लगेगा सगाई में, तो इसलिए मैंने ये रेड कलर परचेस किया था। और मैंने इसका ब्लाउज भी सिल लिया था, सब कुछ रेडी कर लिया था। और जब जब मुझे देखने के लिए आए, मतलब कि हम लोग की शादी जो है वो थोड़ी सी लव मैरिज है, बट हमने इसको अरेंज में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की थी। तो जब मुझे देखने के लिए आए थे मेरे हस्बैंड और उनके फैमिली वाले, तो वो देखना ही था, और सगाई में तो दोनों एक साथ ही फिक्स होना था, तो उन्होंने मुझे देखा और फाइनल किया, और उसी दिन सगाई होनी थी। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था साड़ी पहन के जाना, तो इसलिए मैं एक अनारकली सूट पहन के गई थी जो मैंने बनाया था, उसकी फोटो साइड में लगा दूंगी, थोड़ी सी पिक है मेरे पास उसकी। तो मैं अनारकली सूट पहन के गई थी, ये मैं नहीं पहन के गई थी तो ये मेरे कोई काम में नहीं आई। तो फिर जब सगाई का टाइम आया तो फिर मेरे हस्बैंड के घर वालों ने, मतलब वो वहां से लेकर नहीं आए थे गाँव से, उन्होंने फिर इटारसी से ही मेरे लिए साड़ी खरीदी, और उन्होंने मेरे लिए ये साड़ी खरीदी थी सगाई के लिए। देखो थोड़ा सा ब्राइट रेड है, थोड़ी सी हैवी साड़ी है, और 5 साल पहले भी हैवी थी, काफ़ी हैवी है वो, और उस समय पे 2500 की साड़ी थी, मुझे अच्छे से पता है। और शादियों में क्या है, इस टाइप की थोड़ी सी हैवी साड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए उन्होंने फिर ये साड़ी खरीदी मेरे लिए सगाई के लिए। मैं इसको पहन के वीडियो लगा देती हूँ साइड में। तो मैंने ये सगाई में पहनी थी, और मेरे पास अनफॉर्चुनेटली सगाई की एक ही पिक्चर है जो मैं लगा देती हूँ साइड में। तो ये मेरी सगाई की साड़ी थी जो जॉर्जेट फैब्रिक में है, और मेरी सगाई और शादी दोनों ही अच्छे मौसम में, मतलब सितंबर में मेरी सगाई हुई थी और दिसंबर में मेरी शादी हुई, तो कपड़ों को लेकर कोई भी ऐसा नहीं था कि हैवी साड़ी पहनने में दिक्कत होगी या कुछ, तो ऐसा नहीं था, मतलब बढ़िया तरीके से अच्छे मौसम में ही मेरी शादी सगाई हुई। तो मेरी जो सगाई की साड़ी ना, मैं उसका आपको फोटो दिखाती हूँ, उसमें क्या लुक निकला था जिसको देख के हमने साड़ी ली थी। अब भाई अब इतने खूबसूरत तो है नहीं, ये पिक्चर थी उसके अंदर कि ऐसा लुक आएगा, सॉरी बड़ा फोटो भी है मैं, क्यों छोटा फोटो, तो ये फोटो था उसमें कि ऐसा लुक आएगा आपका। तो इसको देखकर मैंने वो साड़ी पसंद करी थी, और हाँ मेरी सगाई की साड़ी मैं खुद पसंद करने के लिए गई थी, मेरी सगाई की इंगेजमेंट रिंग जो होती है ना, रिंग भी मैं ही पसंद करने के लिए गई थी, तो सब कुछ मैंने खुद अपनी पसंद से लिया था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये थी सगाई की बात, अब बात करते हैं शादी की। तो मैंने अपनी शादी में, अच्छा मैंने शादी में लहंगा क्यों नहीं पहना बताती हूँ, क्योंकि ना मेरी शादी जो है, मेरी सगाई जो बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे नहीं हुई थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोकल भी नहीं हुई थी, लोकल नहीं कहेंगे उसको, जितना जिसका बजट हो उसके हिसाब से, बट मेरी शादी जो है बहुत ज़्यादा ग्रैंड ना होकर थोड़ी सी मिनिमल हुई थी, तो उस हिसाब से मैंने साड़ी ही पहनी थी, क्योंकि हम लोगों ने वैसे हॉल बैंक्वेट वगैरह नहीं किया था बुक, हमारे जो हमारा नया घर बना हुआ था, बिल्कुल नया ही बना था, तो हमें उसका उद्यापन भी करना था और मेरी सगाई का भी वो आ गया था मौका, तो फिर हमने दोनों चीज़ वहीं से कर ली थी। तो मेरा जो घर है इटारसी में, वहाँ से हम लोगों ने मेरी सगाई को सम्पन्न किया। अब बात करते हैं शादी की। तो शादी में ना मैंने वैसे कोई थीम वेडिंग नहीं की कि मेहंदी के दिन ग्रीन पहनना, येल्लो पहनना, जो भी पूरा थीम होता है वैसे नहीं पहना था, बट मैंने अपनी साड़ी की शॉपिंग की थी बेड़ा घाट भोपाल से, बेड़ा घाट नहीं बेड़ागढ़, बेड़ागढ़ भोपाल से, बेड़ा घाट तो जबलपुर में है, और मेरे दिमाग में ना बेड़ा घाट चल रहा है कंटिन्यू।
सो बिकॉज मेरी नेक्स्ट ट्रिप भेड़ाघाट की है, तो मैंने ये सारी साड़ियाँ है ना बेड़ाघाट से ही खरीदी थी, भोपाल के, जो कि फेमस एरिया है जहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में साड़ियाँ मिलती थी, ऐसा पहले था, अब तो नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज मैं आपको साड़ियों का रेट भी बताऊँगा तो आप सोचेंगे कि नहीं यार थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, और बेड़ाघाट की साड़ियाँ हैं, सारी की साड़ियाँ, समझ जाएगा बेड़ाघाट है बेड़ाघाट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मेरी हल्दी की साड़ी, तो मैंने हल्दी में ये वाली साड़ी पहनी हुई थी, ये ऐसा, एक सेकेंड मैं इसका वो करती हूँ। तो मैंने अपनी हल्दी में ना ये वाली साड़ी पहनी थी, आपको इसका वर्क दिख रहा होगा, थोड़ा सा शाइनिंग शाइनिंग सा करता हुआ, ये हल्दी में वेयर की थी, और इसमें जो वर्क है ना बहुत प्यारा सा वर्क है, बहुत ही स्मूथ साड़ी है, बहुत ही सॉफ्ट, मतलब हाथ में नहीं पकड़ने में आ रही, बिल्कुल रेत जैसी एकदम सिल्क, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा सिल्क है इसका। मैं थोड़ा सा इसका जो ब्राइटनेस है ना कम करती हूँ, मे बी शायद ज़्यादा ब्राइटनेस के कारण साड़ियाँ अच्छी नहीं दिख रही। तो ये साड़ी मैंने पहनी थी मेरी हल्दी में, मैं उसकी फ़ोटो लगाऊंगी जब मैंने पहनी थी वो कैसे पहनी थी, देखो बहुत ज़्यादा स्टाइल नहीं की थी मैं बताऊं, पर फिर भी जो था सब अच्छा था, और ये मेरी हल्दी की साड़ी है। सेकंड में आप लोग बताती हूँ माता पूजन की साड़ी, पहले माता पूजन होता है पहले हल्दी होती है, पहले माता पूजन होता है, नहीं यार पता नहीं, मतलब कि मुझे याद नहीं है पहले माता पूजन हुआ था कि पहले हल्दी हुई थी, जो भी होता है मतलब वही हुआ था, पर मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि माता पूजन के दिन मेरे हाथ में मेहंदी लगी थी है ना, तो मतलब कि मेहंदी के बाद होता है माता पूजन, हल्दी के दिन मेरे हाथ में मेहंदी लगी थी कि नहीं लगी थी, लगी थी, तो मतलब कि सबसे पहले मेहंदी लगी, उसके बाद हल्दी हुई, और उसके बाद फिर माता पूजन, ठीक है। तो हल्दी में मैंने कोई वेयर नहीं किया था ऐसे, मैंने हल्दी में शॉर्ट वेयर किया था और ऊपर ऐसे टी टॉप पहना था, क्योंकि सब गाँव के लोग थे और हाथ में यहाँ तक मेहंदी लगवाई थी मैंने, तो वो थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा था कपड़े कोई गंदे हो जाएंगे, तो मैंने इसलिए फिर सिंपल नीचे शॉर्ट पहना था और ऊपर ये इस टाइप का टी टॉप पहना हुआ था, और उस तरीके से मैंने अपने हल्दी में मेहंदी में पहना हुआ था, मतलब कोई मैंने ऐसे आउटफिट नहीं पहना था अलग से, बट इतनी ज़्यादा हैवी है ना, मैंने इसको उसके बाद से कहीं पहन ही नहीं पाई, मेरी मम्मी ने पहनी थी एक बार, उनको ही मैंने बोला कि तुम ही पहन लो भाई अपने तो बस की नहीं है, देखो उसका जो वर्क है ना वेलवेट पे वर्क है उसका, हाँ जो बॉर्डर का वर्क है वो रेड वेलवेट पे है, और ये पूरी साड़ी जो सिल्क में है और इसमें कंप्लीट मतलब कि एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इसमें मोती ना लगे हो, कंप्लीट मोती लगे हुए हैं पूरी साड़ी में कंप्लीट एकदम, ये देखो आप इसका कलर ना बिल्कुल येल्लो है एकदम मस्त, इसका वीडियो पहन के लगा देती हूँ मैं, एक्चुअली पहले मैं शो कर रही हूँ साड़ियाँ, उसके बाद मैं वियर करूंगी, तो ये साड़ी थी मेरी माता पूजन की। नाउ नेक्स्ट, चलो अब सीधे शादी की साड़ी की बात करते हैं, तो शादी पे मैंने स्टेज पे तो लहंगा पहना था, रेड कलर का लहंगा था, वो उसकी फ़ोटो लगा दूंगी, वो लहंगा मेरे पास अभी नहीं है, उसकी स्टोरी बाद में बताती हूँ, कोई वो लहंगा मेरे पास अभी नहीं है करंटली, तो ये थी फेरे वाली साड़ी, जो हम फेरे फेरे में पहनते हैं ना, फेरा लगते टाइम पे, ये वो साड़ी है, ठीक है। अब आप इसको देखना, बहुत प्यारी है, मेरी पसंद की ही साड़ी है, और ये ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने थोड़ी अलग तरीके की शादी की थी एक्चुअली, मतलब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि आपकी पसंद की कैसे हुई ये साड़ी, तो इसलिए हुई मेरी पसंद की साड़ी बिकॉज़ हमारी तरफ से ऐसा था कि मतलब कि हम लोगों ने ये उस टाइम पे ऐसा किया था कि ना हम दहेज देंगे और ना हम बदले में कुछ लेंगे, तो इस तरीके से हम लोगों ने शादी को कंप्लीट किया था, लाइक कि मेरी शादी में जो भी लगता है, मतलब कि जैसे साड़ी हो गई, ये साड़ी जैसे ये मेरी खुद की परचेज साड़ी है, खुद ने खरीदी थी ये साड़ी, उसके बाद सिर्फ एक साड़ी है जो मैंने खुद नहीं खरीदी थी, वो थी विदाई की साड़ी जो मुझे गांव से मिली ससुराल से विदाई के टाइम पे, बस वो मैंने नहीं खरीदी थी, बाकी सारी साड़ियां मैंने खरीदी थी मेरी, उसके बाद शादी का लहंगा भी मैंने खरीदा था, साथ ही मेरे हस्बैंड का शेरवानी भी मैंने खरीदा था, और उसके बाद जो है जो भी ज्वेलरी होती है जिसको आप क्या बोलते हैं उसको, जो महिला की संपत्ति कहते हैं या फिर जिसको आप जो हमारी ज्वेलरीज वगैरह कह लो, वो सब भी मैंने खुद ही परचेस की थी, और खुद से मतलब है सच में खुद से परचेस की थी, ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स से मैंने खरीदवाई थी, नहीं ना मेरे मैं मतलब हमारा ऐसा था कि ना मैं मेरे घर वालों से दहेज लूंगी और ना मैं मेरे ससुराल वालों से किसी तरीके का दहेज, जिसको कह सकते हैं हम लोग कि ज्वेलरी वगैरह लेना, साड़ी वगैरह लेना, ये भी काफ़ी खर्चा हो जाता है, तो हमने इस तरीके से शादी की थी कि ना मैं उनसे कुछ लूंगी ना मैं इनसे कुछ लूंगी, सेम मेरे हस्बैंड का भी यही था कि ना मैं इनसे कुछ लूंगा ना मैं इनसे कुछ लूंगा, तो हम लोगों ने हमारी शादी इस तरीके से ही करी कि ज्वेलरी वगैरह सब मैंने परचेस की खुद ने, साड़ी वगैरह मैंने परचेस की खुद ने, हमारे साइड की शादी पापा मम्मी ने करी, मेरे हस्बैंड के साइड की शादी उनके पापा मम्मी ने करी, बाकी जो मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं वो मैंने लिए, मेरा लहंगा मैंने लिया, मेरी शादी की ज्वेलरी मैंने ली, और मेरे हस्बैंड ने दहेज नहीं लिया, मतलब हमने कोई भी दहेज नहीं लिया मेरे पेरेंट्स से, सब कुछ जो है वो हमारा खुद का ही है,
जो भी आपको मेरे घर में सामान दिखता है मेरे वीडियोस में, सब कुछ हम हमारा खुद का परचेस है। इसमें से 50% सामान जो है शादी के पहले खरीद लिया था हम लोगों ने, और उसके बाद शादी के बाद हम लोगों ने मिलके खरीदा है बहुत सा सामान। तो इसीलिए जो है ये साड़ी मेरी खुद की परचेस है। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी शादी की साड़ी मतलब फेरे वाली साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारी। और जब मैंने इसको पहना था कि मैं तो नॉर्मल तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी और बहुत ही सुंदर साड़ी है। मैं इसको पहन के जरूर इसका वीडियो अटैच करती हूँ साइड में, आपको भी अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी है। तो वो क्या चिपक चिपक जा रही है, बहुत दिन से रखे हैं ना, और जो इस तरीके का स्टोन वर्क है जिसमें कपड़ा चिपक जाता है। तो ये थी मेरी शादी की मतलब की फेरे वाली साड़ी, ठीक है। इसके बाद मेरे पास सिर्फ दो साड़ी और है शादी की वाली, शादी वाली साड़ी के नाम पे। एक साड़ी जो मैंने शादी के अगले दिन मेरे ससुराल में पहनी थी, वो थी ये नेवी ब्लू साड़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ये साड़ी। और ये मैंने बेड़ा घर से ख़रीदी थी। और इसका जो प्राइस था 1800 रुपये था। मेरी जो फेरे वाली साड़ी है उसका प्राइस 2200 या 2400 था, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस। उसके पहले जो माता पूजन वाली साड़ी थी वो 2400, हाँ। और जो मेरी हल्दी की साड़ी थी ये 900 रुपये की थी उस टाइम पे ही, सोचो आप। मतलब ये मुझे महंगी लगी साड़ियाँ, बट उनकी क्वालिटी है उस टाइप की। बाकी ये वाली साड़ी 1800 की थी। ये मैंने शादी के अगले दिन मेरे ससुराल में पहनी थी, जब जो किचन वाला काम करते हैं ना, खाना बनाते हैं टाइप से, उस दिन मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। इसका वीडियो मैं साइड में लगा देती हूँ। और इसके बाद लास्ट साड़ी जो मैंने मेरे ससुराल में वेयर की थी वो थी ये साड़ी। बहुत ही क्लासी साड़ी है, जो मेरे हस्बैंड की चॉइस है। मैंने बताया ना, सिर्फ एकमात्र ये साड़ी है जो मेरी पसंद की नहीं है, वो मेरे हस्बैंड की पसंद की है, जो उन्होंने मुझे मेरे विदाई में दी थी। जब वहाँ से विदा होते हैं तो मायके आने के लिए, तो मुझे उन्होंने ये साड़ी पसंद करके दी थी मेरे हस्बैंड ने। इसमें देखो मैरून कलर का ये वेलवेट का बॉर्डर है, और ये क्रीम कलर का पूरा साड़ी है, जिसमें ये हल्का सा स्पार्कल टाइप में है वर्क। बहुत प्यारी साड़ी लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। मैं इनका सबका पहन के आपको वीडियो बता देती हूँ, तो आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी साड़ी।